नमस्कार, मैं हूं सुप्रिया सिंह। शुरुआत करते हैं दिल्ली की 10 बड़ी खबरों की। राजधानी दिल्ली में पिछले 24 घंटे में 74,000 से भी ज्यादा टेस्ट करने के बाद सामने आए कोरोना के 35 नए मामले। राहत की बात, लगातार तीसरे दिन एक भी मरीज की नहीं हुई मौत। इस दौरान 44 मरीज संक्रमण से हुए ठीक। अस्पतालों में 258 मरीज और कोविड केयर सेंटर में 9 मरीजों का चल रहा है इलाज। 110 मरीज होम आइसोलेशन में रहकर करा रहे हैं इलाज। राजधानी में अब सक्रिय मरीजों की संख्या हुई 412। लगातार दो दिन से हो रही बारिश में पानी पानी हुई दिल्ली। इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट में भी हुआ जलभराव। एयरपोर्ट पहुंचने के रास्तों में जमा हुआ बारिश का पानी। राजधानी के कई इलाकों में भी जलभराव से लोगों को ही भारी परेशानी। नालों में भी आया उफान। लोगों ने केजरीवाल सरकार और MCD को ठहराया परेशानी के लिए जिम्मेदार। यमुना स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में होगी ईस्ट दिल्ली क्रिकेट लीग। पूर्वी दिल्ली लोकसभा सीट से सांसद गौतम गंभीर ने ट्वीट कर दी जानकारी। उन्होंने यमुना स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स की कुछ शानदार तस्वीरें ट्विटर पर साझा की और कहा, नवंबर में इसी स्टेडियम में ये प्रतियोगिता की जाएगी आयोजित। उन्होंने आगे जानकारी देते हुए कहा, मेरा मकसद पूर्वी दिल्ली को बेहतर दिल्ली बनाना है और यहाँ अलग अलग विधानसभाओं के अंदर ऐसे कई खिलाड़ी हैं जिनको आगे लाने की है जरूरत। JNU के कुलपति M. जगदीश कुमार ने पिछले साल जनवरी में जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय कैंपस में हुई हिंसा की जांच में देरी में कोरोना महामारी को बताया कारण। 5 जनवरी 2020 को JNU परिसर में लाठी और रॉड से लैस नकाबपोश लोगों के एक समूह ने छात्रों और शिक्षकों पर किया था हमला। साथ ही विश्वविद्यालय की संपत्ति को पहुंचाया था नुकसान। हिंसा में करीब 35 लोग हुए थे घायल। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का पार्टी नेताओं और स्वयंसेवकों को संदेश, चुनाव लड़ने के लिए पदों और टिकटों की ना रखे कोई इच्छा, इसके बजाय समाज और देश के लिए काम करके अपनी योग्यता करे साबित। पार्टी की राष्ट्रीय परिषद की बैठक में अपने वर्चुअल संबोधन के दौरान CM ने कहा, वो नहीं चाहते कि लोग भाजपा और कांग्रेस की तरह आम आदमी पार्टी को एक पार्टी के रूप में पहचाने। दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर सुरक्षा अधिकारियों को लंदन ले जाने वाली एयर इंडिया की फ्लाइट में बम होने की दी गई धमकी। फोन करने वाले ने अमेरिका में 9/11 के हमलों की तर्ज पर लंदन ले जाने वाले एयर इंडिया के विमान को उड़ाने की दी धमकी। इसके बाद से एयरपोर्ट पर सुरक्षा सख्त। उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने इंडिया इंटरनेशनल सेंटर में आयोजित दिल्ली राज्य उद्यमिता प्रतियोगिता 2021 के विद्यार्थियों के पुरस्कृत सम्मान समारोह में कहा, दिल्ली सरकार कौशल के क्षेत्र में देश का नाम रोशन करने के लिए देश भर के युवाओं को देगी प्रशिक्षण। सिसोदिया ने कहा, शांघाई 2022 में होने वाले अंतर्राष्ट्रीय कौशल प्रतियोगिता में देश का नाम रोशन हो सके, इसके लिए दिल्ली सरकार न सिर्फ दिल्ली के विद्यार्थियों को प्रशिक्षण देगी बल्कि क्षेत्रीय, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक के लिए देश भर के युवाओं को दिल्ली सरकार मुहैया करवाएगी प्रशिक्षण। उत्तरी निगम ने ई कचरा बेचने के लिए लॉन्च किया ऐप। उत्तरी निगम के क्षेत्रवासियों के लिए ई कचरा बेचना हुआ सरल और सुविधाजनक। उत्तरी निगम के आयुक्त संजय गोयल ने बताया, ये ऐप नागरिकों और विक्रेताओं दोनों के लिए है अनुकूल। इसके माध्यम से पुराने व अनुपयोगी IT उपकरण और इलेक्ट्रॉनिक वस्तुओं का आसानी से हो जाएगा ऑनलाइन निपटान। इसकी मदद से ई कचरा लेने वाला घर आकर ले जाएगा कचरा, साथ ही बदले में समुचित रुपए भी मिलेंगे। देश भर के सैकड़ों लोगों को नामी बैंक, एयरलाइंस और कंपनियों में नौकरी दिलवाने का झांसा देकर ठगी करने वाले गैंग का दक्षिण जिला की साइबर सेल ने किया भांडाफोड़। आरोपी दक्षिणी दिल्ली के नेपसराय स्थित देवली में फर्जी कॉल सेंटर चला रहे थे। पुलिस ने छापेमारी कर कॉल सेंटर से वहां के मैनेजर, एक महिला व 11 युवतियों समेत कुल 13 लोगों को किया गिरफ्तार। आरोपी बेरोजगारों को नौकरी दिलवाने का झांसा देकर ऐंठते थे हजारों रुपए। स्कूल खुलने के बाद बच्चों की बदली दिनचर्या से उनकी सेहत पर हो रहा है असर। राजधानी के अस्पतालों के गैस्ट्रोलॉजी विभाग में ऐसे कई बच्चे आ रहे हैं जिन्हें पेट दर्द, आंतों में इन्फेक्शन, उल्टी और दस्त की परेशानी का करना पड़ा है सामना। डॉक्टरों का कहना, बरसात के मौसम में कई प्रकार के वायरस सक्रिय हो जाते हैं जो अलग अलग जगह मौजूद रहते हैं। ऐसे में घर से निकलने के बाद सावधानी बरतते हुए बाहर खाने से करना चाहिए परहेज। आप देख रहे थे दिल्ली की 10 बड़ी खबरें। हमारी बाकी खबरों की अपडेट्स पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नमस्कार।